पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिख दिखाया आईना, तुरंत कार्यवाही के लिए सरकार को सुझाए 6 विषय। संक्रमण काल में बच्चों की शिक्षा का सुचारू प्रबंध करने को शिक्षाविदों की कमेटी गठित करे सरकार। ऑक्सीजन व दवाइयों की कालाबाजारी के साथ अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार पर तुरंत रोक लगाए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अभी से पर्याप्त संसाधन जुटाने को कदम उठाएं। 10 शहरों में संक्रमण की पुष्टि के बाद पशुधन को बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाने जरूरी। गरीब मजदूर व कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष पैकेज लागू करें ताकि उनकी आय सुनिश्चित हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महामारी के कुप्रभाव का आकलन करवा सभी वर्गों को राहत का ऐलान किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर विपक्ष की प्रदेश और समाज के प्रति जिम्मेदारी का हवाला देते हुए सरकार को उसकी ड्यूटी भी याद दिलाई है। हुड्डा ने साफ तौर पर कहा कि इतनी बड़ी महामारी में परेशानी आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर सरकार पारदर्शिता और सत्यता से काम लेगी तो लोगों का साहस भी बढ़ेगा और सरकार में भरोसा भी पैदा होगा। हुड्डा ने कहा कि अस्पतालों में बेड्स, दवाइयों व ऑक्सीजन आदि का समय रहते प्रबंध करना सरकार का फर्ज है। सरकार को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन्होंने समय रहते तैयारियां नहीं की और महामारी की गंभीरता को नहीं समझा। हुड्डा ने कहा कि सरकार ये आधारभूत सच भी स्वीकार करे कि कोरोना संक्रमण काल में पारदर्शिता, सत्यता और सहानुभूति वायरस से परीक्षण व उपचार जितनी ही महत्वपूर्ण है। जब लोग सुरक्षित, आशान्वित व अपनत्व अनुभव करेंगे तो अद्भुत परिणाम सामने आएंगे। आपने क्या कहा लोग भूल जाएंगे, क्या किया ये भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपने लोगों को कैसा महसूस कराया ये वे कभी नहीं भूलेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार सबसे पहले मौजूदा स्थिति की गंभीरता और कठिनाइयों को साफ मन से स्वीकार करे, इससे सरकार का नैतिक बल और लोगों का मनोबल बढ़ेगा। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि महामारी में पीड़ितों को ऑक्सीजन, दवाइयां, टीके और अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिले, मरणोपरांत शमशानों में जगह नहीं मिली। ऐसी दर्दनाक परिस्थितियों में ऑक्सीजन व दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। उपचार इतना महंगा है कि गरीबों की पहुँच से बाहर है। हुड्डा ने कहा कि आप ये अवश्य मानेंगे कि यह बीमारी इतनी गंभीर और व्यापक है कि इसके खिलाफ लड़ाई को केवल सरकार और राजनेताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मानवता के अस्तित्व की लड़ाई में सभी को प्रतिभागिता के साथ विशेष प्रबंध और असाधारण प्रयास करने होंगे। बीमारी का प्रबंधन, नियंत्रण, परीक्षण, उपचार, संसाधन संवर्धन तथा तत्काल अस्थायी ढांचा करने आदि की सभी जिम्मेदारी 8-10 सदस्य कोरोना कमांडर्स की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स को सौंप दी जाए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि टास्क फोर्स को संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां, संसाधन तथा अनावश्यक हस्तक्षेप सहित पारदर्शी वातावरण प्रदान करें। फोर्स में अनुभवी डॉक्टर, प्रख्यात स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ, प्रबंधन प्रशासन, राजनीतिक प्रतिनिधि, न्यायाधीश आदि शामिल हो जिनकी निष्ठा, क्षमता, निष्पक्षता और योग्यता प्रमाणिक हो। इससे प्रदेश के लोगों में नई आशा और विश्वास पैदा होगा। संक्रमण काल में सरकार, समाज, पंचायत और परिवार सभी की साझेदारी जरूरी है। सरकार केवल टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुपालन की निगरानी रखे। हल्ला बोल हरियाणा।